जब मैं खाली होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं। कैन यू इमेजिन 24 घंटे, कितना वक्त है मेरे पास। क्या मैं उन 24 घंटों में से 2 घंटे कॉपी राइटिंग को नहीं दे सकता, ये स्किल जो मैं सीख रहा हूँ। 1 घंटे क्रिएटिव राइटिंग को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्रिएटिव राइटिंग का शौक है। क्या मैं 1 घंटा बुक्स पढ़ने में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, क्योंकि बुक्स मुझे पढ़ना है। तो इन 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे मैं इस चीज़ों पर नहीं दे सकता जो मुझे लाइफ में आगे लेकर जाएंगे, जो मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या मैं इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं दे सकता? ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता, ज़रूर दे सकता हूँ। पर मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है कि भाई कैसे दे देगा। एक तो सुबह तू उठता है, उठ के ही फ़ोन चलाने लग जाता है, उसके बाद नाश्ता पानी जो भी होता है करता है, उसके बाद दोस्तों से बातचीत, फिर खेलने लग जाता है, फिर फ़ोन पे सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने लग जाता है, फिर जो भी मूवीज़ आती है, जो भी कुछ आती है उसको देखने लग जाता है, और फिर बातचीत करते ऐसे ही तू अपना पूरा दिन वेस्ट कर देता है। भाई कैसे कर लेगा, ये मेरा माइंड मुझसे बोलता है। पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे माइंड का ये लिमिटिंग बिलीफ है जो मुझे काम करने से रोक रहा है, जो काम करने से रोक रहा है क्योंकि ये मेहनत नहीं करना चाहता, ये काम नहीं करना चाहता, ये दिमाग लगाना नहीं चाहता, ये सिर्फ मस्ती करना चाहता है, मजा करना चाहता है, अय्याशी करना चाहता है, और इसी दिमाग की वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मेरे माइंड को, मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करने नहीं दे सकता। तो अब से मैं प्लेज ले रहा हूँ कि मैं ऐसे थॉट्स सोचूंगा जो सिर्फ मुझे सर्व करें, ऐसी बातें सोचूंगा और ऐसी चीज़ें थिंक करूंगा जो सिर्फ मुझे हेल्प करे, जो मुझे मोटिवेट करे, जो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, जो मेरे करियर को आगे बढ़ाए, जो मुझे मेरे ग्रोथ में हेल्प करे। ना कि ऐसे थॉट्स सोचूंगा, ऐसी थिंकिंग करूंगा जो मुझे डिमोटिवेट कर दे, मेरे कॉन्फिडेंस को डिक्रीज कर दे, मेरे लाइफ को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे डुबा दे। मैं ऐसे थॉट्स नहीं सोचूं। तो अभी करेंट सिचुएशन के हिसाब से मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा गोल है कि मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। एक्चुअली कमी क्या, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मुझे पैसे कमाना है यूजिंग माई स्किल्स, थ्रू माई स्किल्स। पर आज जब मैं कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस करने बैठा तो मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, ये तू कैसे कर लेगा भाई, तू देख नहीं रहा है यूट्यूब पे कितने कम लोग हैं, और कितने लोग उन वीडियोज़ को देख रहे हैं, और कितने लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुमने देखा कि उनमें से कितने लोगों ने पैसे बना लिए? क्या तुमने देखा कि उनमें से कितने लोगों ने वो स्किल सीख ली? भाई बहुत टफ है, तू नहीं कर पाएगा भाई, तूने कभी किया है? क्या तेरे परिवार में कभी किसी ने किया है? क्या तेरे खानदान में कभी किसी ने किया है? क्या तेरे नस्ल में कभी किसी ने किया है? भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा भाई, ये हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं है। ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये लोग फेक कर रहे हैं भाई, नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों से हो सकता है। तेरे में ना कोई टैलेंट है, ना हुनर है, कुछ नहीं है भाई, नहीं कर सकता। पर फिर वही बात, मेरा माइंड फिर मुझे रोक रहा है, फिर से लिमिटिंग बिलीफ डालकर मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा। ये माइंड है ही इतना चंचल। ये जानते हुए भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दुनिया में अगर मैं कुछ भी सीखने जाऊँगा तो वो चीज़ शुरुआत में मुश्किल होगी, पर मुझे वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ को लर्न करने में, उस चीज़ को सीखने में, उसको प्रैक्टिस करने में, तभी जाकर वो धीरे धीरे आसान होगी और मैं उसको सीख पाऊँगा। और हाँ, अगर किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है लेकिन एक वक्त में वो चीज़ भी मुश्किल हो जाती है, उस चीज़ में भी मुश्किलें आ जाती हैं, डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, लेकिन विनर्स लोगों की, आउटलायर्स की एक खास बात होती है कि वो लोग उस जगह पे हार नहीं मानते, वो लोग उस मुश्किल रास्ते को पार कर लेते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब बन पाते हैं और वो लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ का शिकार नहीं होते। क्या तुमने रिच डैड पुअर डैड बुक से वो लेसन नहीं सीखा? रिच डैड पुअर डैड मैं रॉबर्ट कियोसाकी के फादर उसको अक्सर बोलते हैं कि कभी ये मत सोचो कि मैं वो बंगला, मैं वो गाड़ी, मैं इतने पैसे अर्न नहीं कर पाऊँगा, ओन नहीं कर पाऊँगा, बल्कि ये सोचो कि मैं वो गाड़ी, वो बंगला, वो घर, वो पैसे कैसे ऑन कर सकता हूँ। अपने आप से सवाल करो, जब सवाल करोगे तो तुम्हारी इंटेलिजेंस खुलेगी, तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी, तुम्हारी बुद्धि खुलेगी और तुम्हें जवाब मिलेंगे। तो मेरे भाई, आज से स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।